तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में रेक्सिप्रा प्लस टेबलेट के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का ड्रग होता है, कहाँ चलता है, क्या इसकी कोई आदत पड़ती है, इसकी डोज क्या होती है, कितने दिन तक चलती है, क्या साइड इफेक्ट करती है। सो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे। तो भैया रेक्सिप्रा प्लस एक ब्रांड आता है इंटास कंपनी का, 10 टेबलेट की पैकिंग में भी आती है, 15 टेबलेट की पैकिंग में भी आती है। तो करीब करीब 10 रुपये की एक टेबलेट ये पड़ती है, यानी 10 टेबलेट का रेट करीब करीब 100-110 रुपये के आसपास पड़ता है। तो डॉक्टरी सलाह से मिलती है, दवाई की दुकान पर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों NRX नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, तो शेड्यूल एच के अंदर आती है, डॉक्टर की सलाह से ही मिलती है, डॉक्टर की पर्ची से ही दवाई की दुकान पर मिलती है। अगर आप बिना सलाह के इसका यूज़ कर रहे हो तो आगे जाके नुकसान करेगी, आदत पड़ सकती है, हैबिट हो सकती है। अदरवाइज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ऐसे कोई नुकसान नहीं करती, आदत नहीं पड़ती है। तो डॉक्टर ने अगर 15 दिन के लिए दिया है तो 15 दिन के बाद वापस ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर आप टाइमली वापस जाके दिखा रहे हो तो आगे जाके बंद हो जाएगी, डोज कम हो जाएगी। ऐसे काफ़ी अच्छी दवा है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम में ये काम आती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो आदत तभी पड़ती है जब बिना डॉक्टर की सलाह से आप लिए ही जा रहे हो, ऐसे कोई आदत नहीं पड़ती, काफ़ी सेफ है, घबराने की बात नहीं है। तो भैया बात करते हैं कहाँ चलती है। तो देखिए इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है, पहला आता है एसिटालोपराम, दूसरा आता है क्लोनाजिपाम। तो भैया एसिटालोपराम जो होता है ना, ये सेरोटोनिन केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करता है, और जो क्लोनाजिपाम होता है ना, गाबा केमिकल मैसेंजर को बढ़ाकर काम करता है। देखिए दिमाग के अंदर ना कई सारे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, तो कई सारे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो दिमाग को खुश रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, बॉडी को आपको हैप्पी फील करवाते हैं, आपको सैड फील करवाते हैं, आपको एनर्जेटिक फील करवाते हैं। तो जो हैप्पी फील करवाता है जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, एनर्जेटिक फील करवाता है डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया, तो वहाँ पर उन केमिकल मैसेंजर को बढ़ा देता है, जिससे कि व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। तो कहने का मतलब है एंजाइटी से जुड़ी प्रॉब्लम में काम आती है। अगर व्यक्ति को एंजाइटी है, घबराहट है, मन बेचैन रहता है, डर लगता है, अकेला ज़्यादा रहता है व्यक्ति, सोच विचार नेगेटिव हो रहे हैं, थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, घुटन हो रहती है, काफ़ी ज़्यादा सोचता है, तो वहाँ पर ये दवा काम आती है। डिप्रेशन में जा रहा व्यक्ति, एंजाइटी ले रखा है, कोई चीज़ हो ही नहीं, उसके बारे में सोच के बीमार हो रहा है, तो वहाँ पर ये व्यक्ति को रिलैक्स करती है, दिमाग के अंदर जो टेंशन है उसको कम करती है, तो उस कंडीशन में चलती है। दूसरा दोस्तों स्लीपिंग प्रॉब्लम, अगर व्यक्ति को नींद आने में समस्या है, रात को नींद कम आती है, 8 घंटे की नींद, 10 घंटे की नींद नहीं ले पा रहा, रात को सोने के बाद आधी रात को जग जाता है, वापस नींद नहीं आती, या बीच में कोई जगा दे तो वापस नींद नहीं ले पाता, तो वहाँ पर नींद की जो साइकिल होती है उसको ठीक भी करता है, तो स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में भी चलता है। अब बात करते हैं इसकी क्या डोज होती है, कितने दिन तक लेनी पड़ती है। तो देखिए बीमारी के ऊपर डिपेंड होता है आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, एंजाइटी कम है ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग होती है इसकी डोज। रात को एक टेबलेट सोते समय होती है और कई बार सुबह शाम भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है। या कई बार ये भी होता है कि एक सुबह आधी रात, या रात को एक सुबह आधी, या आधी सुबह आधी दोपहर आधी रात, इस तरीके से दोस्तों हो सकती है, आधी आधी भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है। तो करीब करीब 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक चल सकती है, उसके बाद थोड़ा हो भी सकता है कि आगे 2-3 महीने तक बढ़ सके, लेकिन ज़्यादातर केस में बंद हो जाती है, घबराने की बात नहीं। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, तो इसको साइड इफ़ेक्ट कई बार ये होता है कि थकान होती है लेने के बाद, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है व्यक्ति को, या हो सकता है कि नोजिया वोमिटिंग होने लगे, कब्ज बनने लगे, ठीक है, तो कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है लेने के बाद। तो भैया अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, अलग अलग व्यक्ति में ज़्यादा हो तो डॉक्टर को बताना है। बात करते हैं सावधानी, तो एक तो आपको एल्कोहल के साथ डोज नहीं लेनी है, नुकसान करती है, स्मोकिंग करते हो तो भी नहीं लेनी है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी नहीं लेना चाहिए, बच्चे नुकसानदायक रहेगी, और आदत पड़ सकती है अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से ले रहे हो। गाड़ी चलाते समय डोज नहीं लेनी है, नींद आ सकती है। तो भैया संपूर्ण रेव था रेक्सिप्रा प्लस टेबलेट के बारे में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।